3D आर्टिस्ट है ना, आज हम करने वाले हैं जो डेस्कटॉप पे मैंने कार वाला सीन बनाया है, ये मैंने कैसे बनाया है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं इसको आफ्टर और ब्लेंडर का यूज़ करके बनाऊंगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर इफेक्ट के अंदर हमारी वो वीडियो है उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है आफ्टर इफेक्ट के अंदर इसको, और इसको हम यहाँ पर ट्रैक करेंगे, कॉम बना लेंगे। कॉम बनाने के बाद तो हमारा ये सीक्वेंस आ चुकी है वीडियो, और ये 30 FPS पे है। और नॉर्मली हम यहाँ पे कैमरा ट्रैक कर देंगे, और अगर ये आपको नहीं दिखाई देता है तो विंडो के अंदर जाओ और यहाँ से जाकर इसको इस ट्रैकर को ऑन कर सकते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, इसको ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर हम टिपिकल वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम कर लेंगे ये मल्टीपल ट्रैकर को सिलेक्ट, और यहाँ पर राइट क्लिक और क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 3D कैमरा और सॉलिड आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हमारे सॉलिड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस तरफ ले आते हैं उसको, और इसका स्केल पहले इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, एस और स्केल कर लेंगे इसको, और यहाँ से हम इसको कुछ हमारे इस जो मैट है इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ से कुछ हमें थोड़ा सा और सेट करना होगा। हाँ जी, तो ये यहाँ पर सेट हो गया। और अगर हम इसको प्ले करके देखें तो हाँ जी, ये देखिए काफ़ी अच्छे से ट्रैक हो चुका है हमारा सीन। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 3D कैमरा और ये सॉलिड यहाँ से सेलेक्ट करके फाइल के अंदर चलते हैं, और स्क्रिप्ट के अंदर जाकर यहाँ पर ये JSON वाला फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर हम F5 का फोल्डर बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, शूट के नाम पे इसको सेव कर लेंगे, और यहाँ से एक्सपोर्ट। और अभी हम क्या करते हैं, हमारा ब्लेंडर खोल लेते हैं। ये हमारा ब्लेंडर खुल चुका है, और यहाँ से क्या करेंगे हम इंपोर्ट, और यहाँ से हम हमारा वही आफ्टर इफेक्ट वाला फॉर्मेट है इसको चूज़ कर लेंगे, और यहाँ से हम वही शॉट वाला इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे हमारे ब्लेंडर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कैमरा आ चुका है, और यहाँ पर हमारा ये प्लेन भी आ चुका है। और उससे बाद अभी हम क्या करते हैं, शिफ्ट एस करके यहाँ पर शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्ट, और शिफ्ट ए करके एक एम्प्टी ले लेंगे, एम्प्टी को थोड़ा सा बड़ा करके ये हमारा जो कैमरे की एम्प्टी है इसको, और जो हमने एक एम्प्टी लिया उसको, दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पर इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। और हमने जो न्यू एम्प्टी ली है हम उसके साथ इसको कंट्रोल पी करके पैरेंट कर लेंगे। पैरेंट करने का मतलब ये होगा कि हमें सीन को सीधा कर लेंगे, जिसे हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सीधा करेंगे, और जिससे हमें हमारा सीन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को सेट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी हम इसको मैन्युअली जी एक्स इसके अंदर और वाई एक्स इसके अंदर, तीनों डायरेक्शन के अंदर हम इसको सेट करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे हमारा। और ये कुछ हाँ जी, ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर इतना ठीक रहेगा। यस, तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके के दिख रहा है हमारा सीन।
और अभी हम क्या करेंगे, हमारे कैमरा जो सीन है हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो सरफेस के ऊपर लेके जाएंगे और 0 प्रेस करके कैमरा व्यू, और N प्रेस करेंगे और यहाँ पर व्यू, और यहाँ पर हमारा इस सीन को बड़ा कर लेंगे। अभी भी ये दिख नहीं रहा क्योंकि ये कैमरे के अंदर हमने बड़ा नहीं करा, वैसे व्यू पोर्ट के अंदर बड़ा कर दिया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कैमरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये देखिए क्लिप स्टार्ट और एंड, हम एंड को हम यहाँ पर इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। अभी हमारा कैमरा है जो वर्टिकली है और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली है, तो हम इसको क्या करेंगे 1080x1920 कर लेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो वीडियो है इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे इसके अंदर, और चलते हैं यहाँ पर कैमरा के अंदर और बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ से ऐड इमेज कर देंगे और यहाँ पर वीडियो क्लिप और ओपन, और ये रही हमारी वो वीडियो। तो हम यहाँ पर इसको इसके अंदर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को बढ़ा लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम प्रेस ए, तो ये सारे की फ्रेम सेलेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारा जो की फ्रेम है 1 0 से स्टार्ट हो रहा है जबकि हमें 1 से स्टार्ट करना है, तो हम इसको ड्रैग करके एक फ्रेम पीछे ले आएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जो ग्रिड है हमारी इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर इससे, और यहाँ पर अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं ये कैसा आउटपुट दिख रहा है इसका। तो हाँ जी, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो बुक और कार है उसमें उसको क्या करते हैं, मैंने 3D मॉडल निकाल के रखा है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और कार को मैंने ब्लेंडर के अंदर से ही निकाला है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कार चूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो जो बुक है मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अभी हम क्या करते हैं, हमारा उस बुक को यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी रही बुक, और यहाँ पर ये बुक यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुकी है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे जी और जेड प्रेस करके हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे हमारे प्लेन के अंदर, और ये कुछ यहाँ पर, और 3 दबा के हम इसका ये सेट हो गई है, और जी और वाई प्रेस करके इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ, और जी और एक्स दबा के हम इस तरफ इसको मूव कर लेंगे, और मूव करने के बाद शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्ट कर देंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो कार है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से ब्लेंडर गेट से निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्री फर्स्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कार नेम से सर्च करेंगे हम। तो हाँ जी, तो मैं यहाँ पर ये मिस्टैंग वाली कार है यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लूँगा। और उसके बाद हम यहाँ पर इस बुक के ऊपर इसको कार को सेट करेंगे, तो ये वाली कार है इसको स्केल कर लेते हैं। पहले हम स्केल करके इसको जी और जेड प्रेस करके हम इस बुक के ऊपर सेट करेंगे, और आर और जी दबाकर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, और यहाँ से स्केल करने वाले हैं इसको हम, और जी प्रेस करके हम इसको और स्केल करते हैं यहाँ तक, और जी और एक्स एक्सिस के अंदर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ, और जी और वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा सेंटर के अंदर ले आएंगे। और अभी हम ये चीज़ यहाँ तक तो हो गई है रेडी, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे लाइटिंग। तो मैं यहाँ पर न्यू विंडो सेकंड विंडो खोल लेता हूँ, और यहाँ पर चलते हैं शेडर के अंदर, और यहाँ पर वर्ल्ड, और उससे पहले मैं क्या करूँगा ईवी की जगह साइकिल साइकिल चूज करूँगा, और सीपीयू की जगह जीपीयू, और डिनवाइस, और यहाँ पर कुछ 128 फ्रेम रखेंगे इसके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके Ctrl+T, और यहाँ पर हम हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पर
इंपोर्ट कर लेंगे ओपन के अंदर जाकर। तो मैं यहाँ पर दो HDRI को मिक्स करूँगा, एक तो पहले डार्क लाइट वाली स्टूडियो है जो कि ये है, और दूसरी हमारी है यहाँ पर अबॉन्डेंट हॉल वाली। तो ये दोनों ही यहाँ पर ब्लेंडर किट के अंदर है, इनबिल्ड है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मिक्स नोड लेके ना इन दोनों को मिक्स करूँगा, इन दोनों को मिला लेता हूँ, और यहाँ पर मिक्स की जगह मल्टी। और अभी हम क्या करेंगे, हमारे रेंडर व्यू के अंदर चलते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारी इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, हम रेंडर व्यू ऑन कर लेते हैं इसका। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर रेंडर व्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ पर फिल्म, तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसकी लाइट को, और यहाँ पर कुछ 2.5 इसकी लाइट रखते हैं यहाँ पर। और ये जो इसका टेक्सचर है, इसका जो टेक्सचर है बुक का, उसको सेट कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर जो हमारा ये नीचे का प्लेन लगा हुआ है, यहाँ पर हम एक नोड ले लेते हैं इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर विजिबिलिटी, और इसको शेडो कैचर लगा देंगे। और शेडो कैचर लगाने के बाद हम यहाँ पर इस बुक को और यहाँ पर इस गाड़ी को थोड़ा सा और बड़ा करने वाले हैं, जी और वाई एक्सिस के अंदर, और यहाँ पर ये बुक और ये मस्टैंग। और यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और जी और वाई एक्सिस के अंदर चलते हैं इसको लेके, और इसको थोड़ा सा और जी और वाई, हाँ जी, तो इतना ठीक रहेगा। और हमारा जो नीचे का प्लेन है, उसको मटेरियल व्यू के अंदर चलते हैं, यहाँ से हम एस और एक्स एक्सिस के अंदर इसको बढ़ा देंगे, और यहाँ से हम जी और वाई एक्सिस की तरफ। और अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद हम चलते हैं मटेरियल व्यू के अंदर, फाइनल रेंडर के अंदर। और ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये जैसे स्क्रीन हमारी आ रही है, यहाँ पर इसकी लाइट जो जैसे हमारी कीबोर्ड के ऊपर पड़ रही है, वैसे हमारी गाड़ी के ऊपर भी पड़नी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्ट, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं और एस करके इसको बड़ा करते हैं। और आर और एक्स करके 90 डिग्री, और इसको कुछ यहाँ पर हम लगा लेंगे, और यहाँ पर इसको कुछ वाई डायरेक्शन के अंदर इस तरफ, और जी और एक्स, जी और जेड। तो जी एक्स, हाँ जी, तो ये जो टेक्सचर होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू, और इसको अभी हम गाड़ी को बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इसको बंद कर देते हैं, सॉरी बुक को नहीं बंद करते। तो यहाँ पर जो ये प्लेन है, इसको बंद करके प्लेन है, इसको ऑन रखते हैं। ऑन रख के हम चलते हैं रेंडर व्यू के अंदर। रेंडर व्यू के अंदर जाने के बाद मैंने इस जो हमारी वीडियो है, इसका एक सिंगल फ्रेम रेंडर निकाल के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा वो सिंगल फ्रेम, और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ अटैच कर देते हैं, और एडिट यूवी एडिट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर इसको एडिट मोड और प्रेस ए, तो यही सेम एंगल है ये। तो अब हम क्या करें, कैमरा व्यू के अंदर जाकर यहाँ पर यू और यहाँ पर प्रोजेक्ट व्यू कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमें
ये दिखेगा, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और स्केल कर देते हैं। हाँ जी, तो इसको दिखाने का मतलब ये हुआ कि मेरी ना जो मैं गाड़ी और ये रखा है, बुक रखी है, तो इसके ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो अगर हम इसको हाइड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे इसके गाड़ी के ऊपर इसकी पूरी रिफ्लेक्शन आ रही है। और अभी हम इसके अंदर इमिशन ऐड करेंगे शेडर के अंदर जाकर, और यहाँ पर चलते हैं इमिशन ऑन करते हैं, और इसको हम कलर ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। और कलर ऐड करने के बाद वन या फिर 1.5 मैक्सिमम, इतना ठीक रहेगा। तो ये देखिए इसके ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन आने लग गई है। अगर हम मैं इसको यहाँ पर बंद करके दिखाऊँ तो ये देखिए अभी नहीं आ रही और अभी आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फाइनल रेंडर करता हूँ मैं यहाँ पर, और आपको कंपोजिटिंग करके दिखाता हूँ कि हमारा सीन कैसा लगेगा। और उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर आपको नॉर्मली अभी हमारा सीन है जो सिर्फ गाड़ी और हमने बुक को ही रेंडर करना है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेके ना लगे हमारे रेंडर को ज़्यादा टाइम ना लगे हमारे रेंडर को, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के अंदर जाओ, जो यहाँ पर हमारी ये टाइल्स आई है ना, तो इसको आप 500 कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी साइज ले सकते हो। और उसके मुकाबले जैसा 20 और 40 साइज था टाइल का, उसके मुकाबले ये जल्दी रेंडर होगा। और अभी हम एक फ्रेम रेंडर कर लेते हैं। तो हाँ जी, हमारा ये रेंडर तो हो गया है, बट हमने एक मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक ये है कि हमने ये स्क्रीन को रेंडर ऑफ नहीं करा इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर विजिबिलिटी, तो यहाँ पर हमने रेंडर ऑफ नहीं करना, इसका बंद नहीं करना, तो वो रेंडर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर शेडो कैचर लगा देंगे, तो यहाँ पर ये दिखेगा ज़रूर, रिफ्लेक्शन आएगी ज़रूर, बट रेंडर नहीं होगा। तो हाँ जी, ये देखिए अभी पूरी रिफ्लेक्शन भी बढ़िया सी आ रही है और हमारा ये रेंडर भी हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं कंपोजिटिंग के अंदर और यूज नोड, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक दबा देंगे तो हमारा ये वीवर नोड आ जाएगा। और उसके बाद हम शिफ्ट और राइट क्लिक होल्ड करके यहाँ से अगर हम ऐसे कट लगाएंगे तो यहाँ पर एक ये डॉट आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए अल्फा ओवर, और इसको यहाँ पर इसके साथ, और उसके बाद शिफ्ट ए मूवी, मूवी क्लिप लेने के बाद हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे हमारे सीन को। तो हाँ जी, ये देखिए ये कुछ हमारा सीन इस तरीके का दिख रहा है। और अभी हम मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ क्या करूँगा, कलर मैनेजमेंट के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर ये जो व्यू ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पर ए जी की जगह ए जी एक्स की जगह स्टैंडर्ड कर दूंगा, तो यहाँ पर ये बढ़िया सी लाइटें हो जाएंगी। और अभी हम एक फाइनल रेंडर करते हैं इसका। तो हाँ जी, ये देखिए हमारा सीन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।